अब हमारा क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ क्यू इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज क्यू आर एंड पी आर। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो पॉइंट है हमारा क्यू, मान लिया ये पॉइंट हमारा है क्यू और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0,1 है, ठीक है। और ये जो पॉइंट क्यों है हमारा, ये पी और आर से इक्वी डिस्टेंट है। देखो इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि क्यों पॉइंट का जो डिस्टेंस पी से है उतना ही डिस्टेंस पॉइंट आर से है, दोनों पॉइंट से क्यों पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इक्वल डिस्टेंसेस पर है, इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5,-3। ये पॉइंट हो गया हमारा R और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x,6, ठीक है। और इक्वी डिस्टेंट है मतलब कि इस Q पॉइंट का इस P से डिस्टेंस उतना ही होगा जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का आर से है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है दोनों डिस्टेंसेस सेम है और हमें निकालना है इस एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और दोनों डिस्टेंसेस को हम इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास एक्स का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये पॉइंट हमारा x1 y1 है, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है और ये पॉइंट हमारा x3 y3 है, तो जब हम इन पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि जो क्यू पी डिस्टेंस है वो बराबर होगी क्यू आर डिस्टेंस के। तो क्यू पी डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये क्यू पी डिस्टेंस है मेरे पास, बराबर में अंडर रूट में आएगा क्यू आर डिस्टेंस कितना है, वो है x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। अब मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा और हमारे पास में आएगा जो अंदर का जो वैल्यू है। अब हम इसमें वैल्यूज़ को फीड करेंगे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 का, तो हमारे पास में यहाँ पर आएगा, तो ये आएगा 25 + 16 बराबर में x² + 25, ठीक है। इस 25 से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे हमारे पास में x², तो यहाँ पे हमारे पास में x² आएगा 16, x आएगा ±4, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में x की वैल्यूज़ है वो आ गई है +4, -4, ठीक है। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो ये वाला है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज क्यू आर एंड पी आर। एक तो हमें ये क्यू आर डिस्टेंस निकालना है और एक निकालना है हमें ये पी आर डिस्टेंस। अब पी आर डिस्टेंस है हमारे पास में ये वाला, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। देखो जो क्यू आर डिस्टेंस है वो उतनी ही डिस्टेंस है जितना कि क्यू पी डिस्टेंस है। देखो यहाँ हमको गिवन है कि
क्यू पी बराबर में क्यू आर है, जितना डिस्टेंस क्यू पी का है उतना डिस्टेंस क्यू आर का होगा, और जो क्यू पी का डिस्टेंस है वो ये है, और क्यू पी का डिस्टेंस हमारे पास में आएगा, जो क्यू पी का डिस्टेंस है वो ये है हमारे पास में, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ये है, इसमें जब हम वैल्यूज़ को फीड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में, और ये बराबर है किसके, 41 के बराबर है, और यहाँ पे हमारे पास में क्यू पी का वैल्यू होगा अंडर रूट 41। क्यू पी डिस्टेंस जितना है उतना डिस्टेंस क्यू आर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास में क्यू आर आ गया है अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है पी आर डिस्टेंस, तो यहाँ पर बनेंगे दो केसेस। केस वन है कि व्हेन एक्स बराबर प्लस 4 है, तब हमारे पास में पी आर डिस्टेंस होगा अंडर रूट ये एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आएगा अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है, प्लस 4 है, तो ये होगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होगा 1, प्लस ये होगा 9, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यह आ रहा है अंडर रूट 82 सेंटीमीटर। ये तब है जब हमारे पास में x का वैल्यू प्लस 4 है, और जब हमारे पास में x का वैल्यू होगा माइनस का 4। केस 2 है हमारे पास में कि व्हेन x बराबर माइनस का 4 है, तब तो PR का वैल्यू हमारे पास में होगा अंडर रूट में माइनस 4 माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस में होगा 9 रहेगा, उसका स्क्वायर होगा 81। यहाँ पे आ रहा है ये भी 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 प्लस 81, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में आएगा 26। ठीक है, तो जब हमारे पास में x का वैल्यू कितना है, प्लस 4 है, तब पी आर डिस्टेंस आया है रूट 82 सेंटीमीटर, और जब हमारे पास में x का वैल्यू माइनस का 4 है, तब वैल्यू आया है अंडर रूट 162 सेंटीमीटर।